फ्रेंड, जैसे ही हमारे बर्ड्स का ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, सर्दियां आती है, तो मेरे सेटअप में चूहों का भी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है। चूहे भी दबाकर मेरे सेटअप में ब्रीडिंग करते हैं। इससे मेरे सेटअप में कोई नुकसान होता है क्या? ये बर्ड्स को नुकसान पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते हैं, या कौन से चूहे होते हैं जो बर्ड्स को नुकसान पहुँचाते हैं? और साथ में मेरे जो बर्ड्स हैं, मेरे बजरी तोते और चूहे, वो एक दूसरे से डरते नहीं हैं और एक साथ जो है जो भी मैं सॉफ्ट फूड देता हूँ वो एक ही थाली में खाते भी हैं। वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा भी। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती है, मैं सेटअप को कवर करता हूँ, वैसे ही इनको जगह मिल जाती है ब्रीडिंग करने की। तो जब गर्मियाँ रहती है, सेटअप कवर नहीं होता है, तो चूहे बिल्कुल मेरे सेटअप में एक भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि इनके जो घर बनाने की, इनका जो रहने की जगह इनको नहीं मिलती है। जब मैं कपड़े से कवर करता हूँ तो कपड़े में कहीं ना कहीं ये अपने आप के लिए एक घर बना लेते हैं, एक घोंसला बना लेते हैं, तो ये फिर वहाँ पर ब्रीडिंग करते हैं। और मेरे सेटअप में चूहे जो हैं वो बड़े चूहे नहीं हैं, छोटे चूहे हैं, छोटी चूहियाँ। बड़े चूहे जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं, कहीं ना कहीं क्या 101% नुकसान पहुंचाते हैं। जो बड़े वाले ब्लैक चूहे होते हैं वो बहुत ही डेंजर होते हैं। अगर आपके सेटअप में ऐसे चूहे हैं तो आपके सेटअप को वो बर्बाद कर देंगे, पूरा सेटअप ख़त्म कर देंगे। मैंने काफ़ी भाइयों के यहाँ देखा है, वो बर्ड्स की हालत ख़राब कर देते हैं पूरा का पूरा। उनका कभी पैर खींच के ले जाते हैं, कभी फेदर खींच के ले जाते हैं, या कई बार जान से भी मार देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बर्ड सेटअप है पूरा बर्बाद भी हो जाता है। लेकिन मेरे सेटअप में ये जो छोटी चूहियाँ हैं, ये चूहियाँ रहती है, इनकी ब्रीडिंग भी होती है, इनकी साइज़ बढ़ती नहीं है, क्योंकि इनकी जो ये म्यूटेशन केल है ज़्यादा, हालांकि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये दो तरह के चूहे होते हैं। एक बड़ा वाला चूहा होता है, स्क्रीन पर मैं पिक दिखा दूंगा, और वैसे आप सभी ने देखा, ये बताने वाली बात नहीं है। और इस छोटी चूहियाँ के बारे में भी आप कुछ जानते ही होंगे, तो अभी आप स्क्रीन पर देखें, ये पिंजरे में आ गई है। पहले ये ट्रे में थी, अभी ये पिंजरे में आ गई है और सॉफ्ट फूड रखा हुआ है, अभी ये उसको खाएगी। ये देखें, ये बजरी आया और वो वापस चली गई, अब ये भी खाएगी साथ में और वो भी आएगा। तो ये डेली होता है, तो मैंने सोचा कि चलो इस बार आपके साथ एक वीडियो शेयर कर ही देते हैं, क्योंकि काफ़ी भाई जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। चूहे भी उनके यहाँ आते हैं, उनको पता ही नहीं चलता ये सब क्या हो रहा है। जिनका ग्राउंड फ्लोर पे सेटअप होता है, वहाँ पर बड़े चूहों के अलावा और बहुत से ऐसे जो हैं वो शिकारी पक्षी, या कह लें कि शिकारी कोई जानवर होता है। एक वो होती है हमारा छुछुंदर, छुछुंदर भी बहुत डेंजर होता है, जिसकी लंबी सी एक जो है वो मुंह होता है, तो वो भी बहुत डेंजर होती है बर्ड्स के लिए। वो भी बर्ड्स के पंजों को खींच लेती, पूरा का पूरा पैर काट देती है, जिसकी आवाज़ आपने च्यू च्यू करके, चिट 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 ऐसी करके कुछ आवाज़ आती है। ज़्यादातर नाइट में जो है वो अंधेरे में उसकी आवाज़ सुनने को मिलती है, और कई बार दिन में भी मिलती है। दिन में हालांकि वो नज़र नहीं आती है, रात को ही वो नज़र आती है। तो वो भी बर्ड्स के लिए बहुत डेंजर होती है। वो वहाँ पर आती है जिनका सेटअप ग्राउंड फ्लोर पर होता है, तो वहाँ पर ही ज़्यादातर वो आती है। बाकी आपका जो सेटअप है वो सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर, घर के अंदर ऊपर है, तो वहाँ पर जो है वो चूहे आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं आती। वो ज़्यादातर ग्राउंड में ही, ज़मीन पर ही वो रहती है। तो ये देखें, ये फिर से वो आ गया है चूहा हमारा। वो देखें चूहियाँ वेरी क्विट ये देखें, अब दोनों साथ में एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, देखा आपने, तो ये डेली चलता है। और मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया, अंडे खा गई हैं, या जो है वो बच्चों को खा गई हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ये बस आते हैं, खाते हैं और वापस निकल लेते हैं। जहां पर इनका घोंसला होता है वहां पर ये चले जाते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो घूमते रहते हैं। तो आपने देखा, बर्ड्स और चूहे दोनों डर ही नहीं रहे, एक दूसरे के साथ वो सॉफ्ट फूड भी खा रहे हैं। तो अगर देखिए, मेरे सेटअप में जो है वो छिपकली भी आती है, हालांकि सर्दियों में तो नहीं आती है, लेकिन जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती है उस समय छिपकली भी आती है, लेकिन उससे भी मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि काफ़ी सारे भाई कहते हैं छिपकली नुकसान पहुंचाती है, हो सकता है पहुंचाती होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पहुँचाती है, लेकिन मेरे सेटअप में मैंने कभी जो है नुकसान पहुँचाते हुए नहीं देखा है।
और मैं इनको भी मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हूं, क्योंकि ये मेरे बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे तो मैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हूं। अगर ये मेरे बर्ड्स को नुकसान पहुंचाते भी तो इनको मारना ऐसा गलत करना सही नहीं है, क्योंकि इनमें भी जान है और ये नेचर है, तो ये ऐसा करते हैं। बड़े चूहे होते हैं वो करते हैं ऐसा, या दूसरा कोई भी शिकारी बर्ड्स होता है तो प्रकृति का नियम है ये, तो उस हिसाब से चलता है। तो अगर ऐसा आपके यहाँ कोई शिकारी पक्षी आ जाए या चूहे आ जाए या चुंदर आ जाए तो उनको मारे ना, पकड़कर जो है वो कहीं भी दूर आप छोड़ के आ जाए, कोशिश करें कि मारे ना, क्योंकि इनमें भी जान है। तो देख लें कितनी क्यूट चूहिया है, देखें देख रही है कैमरे की तरफ। यही थी आज की वीडियो, सोचा कि ऐसा हो रहा है सेटअप में और ऐसा हमेशा सर्दी में होता है, तो सोचा वीडियो आपके साथ जो है वो शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।